हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को नेमोनिक कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन सभी फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर भी याद कर लेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान द्वारा दिया गया ह्यूमन राइट्स है, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। साथ ही साथ जो पालन ना करे उसके अगेंस्ट में आप उसका शिकायत आप कोर्ट में भी कर सकते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से पहला है समानता का अधिकार, मींस राइट टू इक्वलिटी। इसका वर्णन आर्टिकल 14-18 में किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, मींस राइट टू फ्रीडम। इसका वर्णन आर्टिकल 19-22 में किया गया है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मींस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका वर्णन आर्टिकल 23-24 में किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मींस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका वर्णन आर्टिकल 25-28 में किया गया है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, मींस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका वर्णन आर्टिकल 29-31 में किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मींस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसका वर्णन आर्टिकल 32-35 में किया गया है। हम लोग इसी का नाम और इसका साथ ही साथ आर्टिकल नंबर भी हम लोग इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल का नाम को याद कर लेते हैं। इसके लिए आपको अभी से एक छोटा सा स्टोरी आपके अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन कीजिएगा जैसे जैसे हम बताएंगे। तो आप लोग चार दोस्त हैं जो फंडामेंटल राइट्स का स्टडी करने के बाद बाहर घूमने के लिए जाते हैं चाय पीने के। तो बीच में जाते जाते आप लोग को एक गरीब बच्चा मिल जाता है। तो आप लोग के दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्यों ना इस बच्चे से पूछ लिया जाए कि अगर इसको फंडामेंटल अधिकार चाहिए, मतलब मौलिक अधिकार चाहिए, तो ये किस किस चीज का डिमांड करेगा। तो इसमें से एक दोस्त इसके पास जाता है और इससे पूछता है, बाबू बताओ तो तुमको अगर सरकार से मौलिक अधिकार चाहिए तुम किस किस अधिकार का डिमांड करोगे। तो ये लड़का सबसे पहले बोलता है कि भैया सबसे पहले हमें समानता का अधिकार चाहिए, ताकि अमीर और गरीब में कोई अंतर ना हो और सरकार जब भी कोई नियम कानून पब्लिक के लिए बनाए तो वो सभी के लिए समान लागू हो। और उसके बाद हमें स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, ताकि हम अपने ही देश में जहां मन चाहे वहां घूम सके और वहां जॉब नौकरी कर सके। और इससे भी बड़ी बात सर, जिस मालिक के अंडर में हम लोग काम करे वो अगर हमारे ऊपर शोषण करे तो हम उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सके, कोर्ट भी जा सके। और एक बात, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं जिसका पालन करने के लिए हमें आजादी होना चाहिए। हमको जो धर्म पसंद हो हम उसे अपना सके और उस धर्म का हम पालन कर सके। और एक बात सर, जिसके कारण हम लोग अमीर और गरीब बहुत ही अलग धीरे धीरे होते जा रहे हैं, वो है शिक्षा और संस्कृति। पहला ये होना चाहिए कि हम अपने संस्कृति को बचाए रख सके, साथ ही साथ हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ताकि हम लोग पढ़ लिख के अमीर आदमी बराबर हो सके और अपनी जिंदगी में कुछ उन्नति कर सके। अगर आप इतना राइट्स दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात और बताऊं सर, कि हमारे देश में नियम कानून बहुत लागू होते हैं पर उसको कोई मानता नहीं है। तो आप इसमें से इस नियमों को मानने के लिए भी एक नियम आप बना सकते हैं, जिसके तहत इस नियम को मानना कंपलसरी हो जाए। उसके बाद ये लड़का चला जाता है। उसके बाद आप लोग चारों सोचते हैं कि भाई ये लड़का जो जो भी बोला ये तो हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है, यही तो फंडामेंटल राइट्स है जो प्रत्येक हमारे देश के वासियों को जानना चाहिए और इसका अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो एक दोस्त ने बोला हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इस छोटे से बच्चे का जो आंसर है ये एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि वो कैसे कि इस बच्चे का ही स्टोरी से हम लोग ये 6 के 6 फंडामेंटल को मुंह जवानी याद रख सकते हैं। बस ये छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बोला, जिस स्टाइल में बोला, जिस फनी वे में बोला, उसी वे में तो हम लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है फिल्म जो देखते हैं वो कितना आसानी से याद हो जाता है। तो फिर एक दोस्त ने बोला ये तो ठीक है भाई, लेकिन इसका जो आर्टिकल नंबर है उसको कैसे याद करेंगे। तो ये एक दोस्त था जो मेमोरी जी के ट्रिक से साइंटिफिक तरीका सिखा हुआ था कि हम लोग कैसे हम लोग किसी भी नंबर को और किसी भी चीज को कैसे याद रख सकते हैं। तो इस बच्चे ने बोला कि भाई अगर तुमको वो नंबर याद करना है इस फंडामेंटल राइट्स के नाम के साथ तो आप फोनेटिक कोड सिस्टम का इस्तेमाल करो। वो सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आप किसी भी नंबर को बहुत ही आसान तरीका से याद कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम किसी भी चीज को इमेज में कन्वर्ट कर देता है और हमारा दिमाग इमेज को बहुत आसान तरीका से याद रखता है। तो इस दोस्त ने बोला भाई 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 बताओ हम लोग भी कैसे याद करेंगे। तो ये दोस्त ने बोला कि चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं आराम से
बैठ के आप लोगों को समझाऊंगा कैसे फोनेटिक कोड सिस्टम का यूज करके आप लोग फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर को याद रख सकते हैं। उसके बाद ये चारों लड़का चाय पीने चला जाता है। ये लड़का लोग जब तक चाय पीता है तब तक बेसिक ऑब्जर्वेशन से मैं बता दूं कि कैसे आप बेसिक ऑब्जर्वेशन से भी आप आर्टिकल नंबर को याद रख सकते हैं। बस आपको इस आर्टिकल नंबर में गौर देने का जरूरत है। ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है और 35 में खत्म होता है पहला ऑब्जर्वेशन। बस आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर अगर 14 हम लिख दें, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो हमको मिल जाता है 18। पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार वो 14 के 18 के बीच में। फिर अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमको मिल जाता है 22। जो आर्टिकल सेकंड का लास्ट आर्टिकल नंबर है, तो जो पहला खत्म हुआ था 18 में, तो ये सेकंड शुरू होगा 19 से, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 19 to 22। नेक्स्ट अगर जोड़ेंगे 2 तो हमको मिल जाएगा 24। देखिए ये वाला मिल जाएगा 24। तो बस आपको यहाँ पर कोड याद रखना है कि ये पहले 4 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए। ये भी ट्रिक मैं बताऊंगा कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। 4 हो गए, 4 हो गए, ये 2 हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर आप फिर 4 जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 28। 28 में जैसे ही आप फिर से 3 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 31। फिर इसमें जैसे ही आप 4 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 35। तो हम लोग इस ऑब्जर्वेशन में कोड मिला के पहले 4 जोड़ना, फिर 4 जोड़ना, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 4। अब इस कोड को भी अगर आप याद रख ले तो आप कंपटीशन एग्जाम में बता सकते हैं कौन सा फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल के बीच में आता है। तो इसको याद करने के लिए जस्ट फिर वो लड़का लोग जब चाय के ढाबा में गया वहाँ का स्टोरी से आप याद रख सकते हैं। जैसे ये चारों लड़का गया चाय के ढाबा में, तो ये लड़का ने बोला कि भैया जी 4 चाय दो। क्या बोला? 4 चाय दो। तो ये भैया ने बोला 4 नहीं 3 है दूं। तो फिर आप लोगों ने बोला नहीं हम लोग को 4 ही चाहिए। क्या बोला? नहीं हम लोग को 4 ही चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 लड़का था, 4 चाय ही नहीं मिलेगा तो हम लोग चाय क्यों पिएगा। तो इस छोटे से स्टोरी और डायलॉग से आप इस कोड को याद रख सकते हैं। देखिए 4 चाय दो, तो देखिए 4 4 2, 4 4 2, तो 4 4 2 से 4 4 2 कोड आ गया। फिर इस चाय वाले ने बोला कि 4 नहीं 3 है 2। क्या? तो 4 नहीं, नहीं को तो कोई वो नंबर आ नहीं रहा था, इस 4 से 4 आ गया, नहीं से तो होगा नहीं, 3 का 3 हो गया, तो 4 3 कोड आ गया। फिर आप लोगों ने बोला नहीं हम लोग को 4 ही चाहिए। क्या चाहिए? 4 ही चाहिए, तो 4। तो इस छोटे से स्टोरी से आप इस कोड को याद रख सकते हैं। अगर ये आपको कोड याद रहेगा तो आप ये फंडामेंटल राइट्स का नाम और आर्टिकल नंबर भी याद रख सकते हैं। तो इन लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, जैसे ही चाय बन गया उसके चारों ने चाय पीने के बाद अपने रूम में आ गए फिर से स्टडी करने के लिए। जैसे ही रूम में आता है ये तीनों दोस्त ने इस लड़का से पूछता, अब तो भाई बता दो कि मेमोरी जी के ट्रिक से जो तुम सिखा है साइंटिफिक वे उससे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, अब तो बता दो। उसने बोला कि भाई मैं जो समझाऊंगा इससे बेटर समझाया हुआ है मेमोरी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल में, वहां जाके इस वीडियो को देख लो, आप समझ भी जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो अब फोनेटिक नंबर सिस्टम से हम लोग समझते हैं कि कैसे आर्टिकल नंबर को याद रख सकते। तो फोनेटिक नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को हम लोग को एक इमेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जितने सारे डिजिट्स होते हैं उसको कुछ लेटर असाइन किया होता है। जैसे यहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि कौन सा नंबर को कौन सा लेटर असाइन किया हुआ है। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 97, तो 9 का कोड यहाँ पर असाइन किया हुआ पी और बी, ये दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से किसी एक को लेना है, तो हम लोग अभी ले लेते हैं बी। अब 7 का कोड हम लोग देख सकते हैं सी और के है, तो यहाँ पर प्रेजेंटली हम लोग ले लेते हैं के। अब क्या होता है इसके बाद कि यहाँ पर जितने सारे लेटर का असाइन किया हुआ नहीं है, जैसे ए ई आई ओ यू एक्स वाई, ठीक है, वो सब का यूज करके एक हम लोग मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं जिसका हमारे दिमाग में पहले से इमेज हो। जो लेटर यहाँ पर यूज नहीं हुआ है उसका यूज हम लोग या तो यहाँ पर इस गैप में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करके एक मीनिंगफुल इमेज बनाएंगे। जैसे अगर हम डबल ओ दे दें जो कि दोनों ओ यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, तो ओ यूज कर सकते हैं, तो बुक हमारा ऑलरेडी हमारे दिमाग में इमेज है, तो इस तरह हम कोडिंग करके 97 को बुक का इमेज दे सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में इमेज है तो इससे हम नंबर भी रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे बुक, बुक में जैसे डबल ओ ये तो इस फोनेटिक कोड सिस्टम में आता नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और बी का हो जाता है आपका 9 और के हो जाता है 7। हम लोग इस इमेज से भी हम लोग ये जो नंबर है इसको हम लोग रिट्रीव कर लेते। इस तरह से फोनेटिक नंबर सिस्टम हेल्प करता है किसी भी नंबर को एक इमेज में कन्वर्ट करने। तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर को याद करने। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है समानता का अधिकार।
मीन्स राइट टू इक्वलिटी, इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं समानता, तो समानता से ही रिलेटेड कुछ चीजों को हम इसको लिंक कर देंगे ताकि हम लोग इसे रिलेट कर सके और हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो और हमको याद आ जाए कि समानता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में इसका विवरण किया गया है। इसको रिलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता के एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसका ट्रिक है कि आप समानता फैलाने के लिए हर घर जाके ट्रे में भर के सबको टोपी दे रहे हैं, ठीक है। समानता फैलाने के लिए समानता से आपको याद आ जाएगा ये समानता का अधिकार, और फैलाने के लिए आप घर घर जाकर ट्रे में भर के सबको टोपी दे रहे हैं। तो ट्रे और जो टोपी है ये कोड किया हुआ वर्ड है, मतलब मेमोरी वर्ड है। इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आर्टिकल नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे? टी का हो जाएगा आपका 1, आर का हो जाएगा आपका 4, ए और वाई तो उस फोनेटिक कोड सिस्टम में है नहीं तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली टोपी टी का हो जाएगा 1, ओ का होगा नहीं। जब भी डबल एफ आ जाए इसका हम लोग 8 नहीं लेंगे, ओनली 8 ही लेंगे। इसका हो जाएगा आपका 8 और डबल ई का होगा नहीं। आपको 14 से लेके 18 के बीच में फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार, उसका विवरण किया गया, तो आप इस वे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू फ्रीडम। इसका विवरण आर्टिकल 19 से 22 के बीच में किया गया। इसमें से हम लोग स्वतंत्रता को पकड़ेंगे और इसी से रिलेट करके याद करेंगे। तो इसका ट्रिक है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी बात आप यूट्यूब में वीडियो डालकर यूनियन मिनिस्टर तक पहुंचाएं। तो स्वतंत्रता से आपको याद आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो यूट्यूब है और ये जो यूनियन है ये मेमोरी वर्ड है जिससे आप याद रख सकते हैं आर्टिकल नंबर को। यूट्यूब को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वाई का भी होगा नहीं, ओ का भी होगा नहीं, यू का भी होगा नहीं, टी का हो जाएगा 1, यू का होगा नहीं, बी का हो जाएगा आपका 9 और ई का होगा नहीं, इससे हमको 19 आ गया। और यूनियन को जैसे कन्वर्ट करेंगे तो यू का होगा नहीं, एन का 2, आई का भी नहीं, ओ का भी नहीं, एन का हो जाएगा फिर से 2। तो 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है उसका वर्णन क्या हुआ था, तो आप इस तरह राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसका विवरण आर्टिकल 23 से 24 में, इसमें से ले लेंगे शोषण के विरुद्ध, तो हम लोग इस शोषण से लिंक करेंगे। इसका मेमोरी ट्रिक यह है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार पाने के लिए आपने शोषणकर्ता का नाम नेहरू तक पहुंचाए थे। कहां तक पहुंचाए थे? नेहरू तक पहुंचाए थे। तो शोषण के विरुद्ध से आप रिलेट कर सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार से, और ये जो मेमोरी वर्ड है नेम और नेहरू, इससे लिंक कर सकते हैं आर्टिकल नंबर को। जैसे नेम को अगर तोड़ेंगे नंबर में तो एन का हो जाएगा आपका 2, ए का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 3 और ई का भी होगा नहीं, फिर यहां से एन का हो जाएगा 2, ई का होगा नहीं, एच का होगा नहीं, आर का हो जाएगा 4 और का भी होगा नहीं। तो यहाँ से आपको मिल जा रहा है 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विवरण क्या गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका विवरण आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, तो धर्म से इसको लिंक कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में रामायण जो इपिक है उसको बहुत ही मान्यता है, तो उसी से इसका मैं ट्रिक बनाया। ट्रिक यह है कि धर्म स्थापना के लिए राम भगवान ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था, उसी से मैं लिंक किया है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम ने नल और नील की सहायता से नाव के बदले राम सेतु बनाया था। जो नल और नील है ये दो बंदर थे जो अगर किसी भी पत्थर में अगर कुछ भी लिख देते थे और पानी में फेंक देते थे तो पानी में तैरने लग जाता था। तो हम लोग नल नील से एक ही को लेना है जिससे हम लोग लिंक करेंगे, तो नील ही ले लेते हैं। नील का में एन का हो जाएगा 2, आई का होगा नहीं, एल का हो जाएगा आपका 5, और नाव को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एन का हो जाएगा 2 और ए का होगा नहीं और बी का हो जाता है आपका 8। तो 25 से लेके 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बारे में विवरण किया गया। इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो आर्टिकल नंबर है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार। इसका विवरण आर्टिकल 29 से 31 के बीच में किया गया। इसको याद करने का ट्रिक है, शिक्षा और संस्कृति की कमी के बारे में न्यू बॉय ने मीडिया से बात की। तो आपको पता है कि हमारे देश में शिक्षा और संस्कृति का बहुत ही ज्यादा कमी है। शिक्षा का हमारे जिंदगी और देश को आगे बढ़ाने में कितना महत्व है उसके बारे में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। इसलिए एक न्यू लड़का ने मीडिया को इसके बारे में रिपोर्ट किया, शिक्षा और संस्कृति को
संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार से लिंक कर सकते हैं। और न्यू बॉय को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एन का हो जाएगा 2, ई और डब्ल्यू का तो होगा नहीं क्योंकि वो फोनेटिक कोड में है ही नहीं, बी का हो जाएगा आपका 9, ओ का होगा नहीं, वाई का भी होगा नहीं, तो ये आ गया 29। और मीडिया को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एम का हो जाएगा 3, ए का होगा नहीं और डी का हो जाएगा 1, आई और ए का भी होगा नहीं। तो इस तरह 29 से लेके 31 के बीच में संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार का विवरण किया गया है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मींस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसका विवरण आर्टिकल 32 से 35 के बीच में किया गया। इसको याद रखने का ट्रिक है कि उपचार के लिए मनी आपने मेल करके भेजा, किसी भी चीज का उपचार करना हो तो मनी का जरूरत पड़ता है, तो इसमें ट्रिक क्या बना है कि मनी जो है आपने मेल करके भेजा तो उपचार को आप रिलेट कर सकते संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे आपको ये जो फंडामेंटल राइट है आपको याद आ जाएगा। साथ ही साथ ये मनी और मेल जो मेमोरी वर्ड है इससे आपको आर्टिकल नंबर याद आ जाएगा। मनी को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एम का हो जाएगा आपका 3, ओ का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2, और ई और आई का होगा नहीं क्योंकि फोनेटिक कोड में है ही नहीं। और मेल को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो एम का हो जाएगा 3, और ए और आई का होगा नहीं, तो एल का हो जाएगा आपका 5। तो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का विवरण किया गया है। तो इस तरह से आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार का भी जो आर्टिकल नंबर है 32 से 35 के बीच में आप याद रख सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का ट्रिक और कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल के बीच में भी जो जो आर्टिकल है, तो जैसे कि मैंने बताया कि समानता का अधिकार में 14 से लेके 18 के बीच में आर्टिकल आता है, पर ये नहीं बताया कि 14, 15, 16, 17 में 17 आर्टिकल में क्या है, उसको कैसे याद रखना है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और उसमें आर्टिकल 22 बताऊंगा कि ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और इस आर्टिकल को कैसे याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ से जरूर देखें। तो अगर आपको मेमोरिक साइंटिफिक टेक्निक सीखना है तो आप यहाँ से देख ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।